कि परमेश्वर जो है वो होम बलियों से, मेल बलियों से ज्यादा परमेश्वर अपनी बात के माने जाने से खुश होता है। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया कि हमारा खुदा पत्थर की वेदी पहाड़, पहाड़ियों, नदी नालों, सूखी हड्डियों से कहता है, सुनो। व्यवस्था वर्ण 6:4 में लिखा हुआ है, हे इज़राइल सुन, खुदा ने आदम से कहा मगर उसने नहीं सुना। खुदा ने ना जाने कितनी ही बार नबियों के द्वारा बात की मगर लोगों ने नहीं सुना। यिर्मयाह की किताब 22 अध्याय उसकी 21 के अंत में खुदा फरमाता है, तूने मेरी बात नहीं सुनी। 25 की 3 में यिर्मयाह कहता है, 23 वर्ष से यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचता आया है और मैं उस बड़े यत्न के साथ तुझसे कहता आया हूं, परंतु तुमने उसे नहीं सुना। हैरत की बात यह है, पत्थर, पहाड़, सूखी हड्डियां, मुर्दे उसकी बात सुनते हैं मगर इंसान उसकी बात नहीं सुनता। जब जब इंसान ने खुदा के कलाम को अनसुना किया, उसके नतीजे उसे भुगतने पड़े हैं। जो अनसुना करेगा वो आशीष को नहीं पाएगा, लेकिन जो सुनेगा वो आशीष को पाएगा। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि परमेश्वर के दास इस बात को बिल्कुल सही बता रहे हैं। जब हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, तो परमेश्वर बरकत देता है, परमेश्वर आशीष देता है और हम खुदा में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जब हम उसकी आज्ञाओं को तोड़ते हैं, परमेश्वर की बातों की उलाहना करते हैं, तब परमेश्वर हमें दंड देता है। क्योंकि मेरे प्रियो, हम जानते हैं परमेश्वर ने दाऊद से वाचा बांधी थी कि तेरा बेटा राजगद्दी पर बैठेगा, और परमेश्वर ने उससे यह भी कहा था कि जो मेरी बातों को सुनेगा, जो मेरे पीछे चलेगा, मैं हमेशा हमेशा तक गद्दी पर उसे बिठाऊंगा तेरे वंश में से। तो मेरे प्रियो, हम जानते हैं परमेश्वर इस बात का वाचा क्यों कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी बातों को सुने। जब तक आपने देखा है, बाइबल में पढ़ा है कि जब तक लोगों ने, दाऊद के वंश ने खुदा की बातों को माना और खुदा के पीछे चले हैं, तब तक उसी के वंश के लोग राजगद्दी पर बैठे हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हम एक जगह पर पढ़ते हैं शमूएल नबी की किताब में, वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है वो होम बलियों से, मेल बलियों से ज्यादा परमेश्वर अपनी बात के माने जाने से खुश होता है। जब हम परमेश्वर की बात को मानते हैं तो परमेश्वर बहुत खुश होता है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर जो कहता है उसकी बात पर विश्वास करें, बिलीव करें कि परमेश्वर ने कहा है तो ऐसा होगा, और मैं सच कहता हूँ परमेश्वर ने जो कहा है वो जरूर करेगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की बात को सुने, क्योंकि परमेश्वर की बातें सूखी हुई हड्डियां सुनती हैं, परमेश्वर की बातें मुर्दे सुनते हैं, परमेश्वर की बातें बीमार सुनता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की बातें हर एक पेड़ पौधा सुनता है, क्योंकि यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा था अंजीर के पेड़ से कि वो सूख जाए, और वो सूख गया। मेरे प्रियो, मैं जानता हूं परमेश्वर की बात हर एक चीज सुनती है। तो मेरे प्रियो, हम तो इंसान हैं, खुदा की विशेष सृष्टि जो खुदा ने हमको और आपको बनाया है, तो हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने हमें सृजा है, तो हमें परमेश्वर की बात को सुनना है। परमेश्वर की बात को सुनने से हम घाटे में नहीं जाएंगे, वरन हम आगे ही बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की बात को सुनने से आशीष मिलती है और परमेश्वर की बात को अनसुना करने से हम पर श्राप पड़ता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की बातों को सुने और खुदा में आशीषित हों और आगे बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।